हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। आज कर देखो हमारे इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने प्रश्न होने वाले आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, जिसका जो आपको पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पीडीएफ डाउनलोड करना थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो के लास्ट में एक क्लिप भी आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और उससे पहले जो हम इसे समझ लेते हैं जब डाउनलोड करने से पहले, जिससे जो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, हु इज़ अ शहीद आज़म, जो शहीद आज़म कौन है। तो आपकी बुक में एक व्यक्ति का जिक्र है, भगत सिंह, जिसे हम शहीद आज़म कहते हैं। तो बस प्रश्न आपको आता है, हु हटाइए, शहीद वहाँ पर भगत सिंह लगाइए और पूरा पूरा आंसर आपका पीछे का सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर हटाइएगा। अगला आपका कि वेयर डू द विंडोज़ ओपन, वेयर यानी होता है कहाँ, डू द विंडोज़ यानी खिड़कियाँ, ओपन यानी खुलती है, कहाँ जो है खिड़कियाँ खुलती है। तो खिड़कियाँ वहाँ खुलती है जहाँ से सूर्य निकलता है। तो हम आंसर में क्या लिखे कि विंडोज़ ओपन टुवर्ड ईस्ट वेयर द सन राइसेस, वेयर का मतलब होता है जहाँ से सन निकलता है यानी सूर्य निकलता है, वहाँ पर हम खिड़कियाँ खुलती है। अगला आपका, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के हार्ट यानी होता है दिल, दिल में क्या है। तो बच्चों के दिलों में क्या है, बर्ड है और सनशाइन है, मतलब बर्ड यानी होता है आपके पक्षी है और सूर्य की रोशनी। तो आप लिखेंगे द इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन आर देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन। तब आपका ऐसा हो सकता है प्रश्न कि सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे तो हमारे अंक तो नहीं कटेंगे। तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको जिस अंक के लिए जो पूछे जाते हैं ये प्रश्न उत्तर, ये उसकी शब्द सीमा में बराबर बैठते हैं फिट, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इन्हें याद करके जाइए, काफ़ी सरल प्रश्न है, हर कोई इसे याद कर सकता है। अगला आपका, हुआ था शर्वियोग, शर्वियोग कौन था, तो शर्वियोग कौन था, शर्वियोग एक माइनर ऑफिसर था, एक पद अधिकारी था, निम्न पद अधिकारी था। अगला आपका, वाई वाज द शर्वियोग डूइंग इन द ओपेरा हाउस, जो शर्वियोग था वो ओपेरा हाउस क्यों गया था। तो वो ओपेरा हाउस एक फेमस ओपेरा था, उसे देखने गया था। तो शर्वियोग वाज वॉचिंग इन द ओपेरा हाउस इन, ठीक है, वॉचिंग का मतलब होता है देखना, वो जो एक ओपेरा देखने गया था ओपेरा हाउस में। अगला आपका कि व्हाट हैपन्ड इन द ओपेरा हाउस, हैपन्ड का मतलब होता है क्या हुआ, यानी ओपेरा हाउस में, ओपेरा हाउस में क्या हुआ। तो जो ओपेरा हाउस में जो जनरल बिरजालोब थे उसके ऊपर जो है शर्वियोग ने छींका था, छींका था उनके सिर के ऊपर। तो आंसर पे क्या लिखेंगे, शर्वियोग स्नीज्ड, स्नीज्ड का मतलब होता है छींकना, जनरल बिरजालोब इन द ओपेरा हाउस, जनरल बिरजालोब के ऊपर जो है शर्वियोग ने छींका था। अगला आपका कि व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता, तो ममता के सामने क्या चैलेंज था, तो ममता के सामने क्या चैलेंज था, उसे जो है इस साल की इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतनी थी। तो आंसर पे क्या लिखेंगे, द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन द ट्रॉफी इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दैट ईयर, इस साल की जो है उसे चैंपियनशिप जीतनी थी। अगला उसका, हु इज़ अ ग्रेटर दैन किंग, ग्रेटर का मतलब होता महान, देन अ किंग यानी राजा से भी महान, राजा से भी महान कौन है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू कर लेता है वो राजा से महान है। आपका 7th लेसन है एंगर, तो उस चैप्टर में से आपका ये कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू कर लेता है, अ पर्सन हु कंट्रोल इज एंगर, और जो राजा से भी ज़्यादा महान है। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि हु इज़ अ नोबल ब्रेव एंड वाइज, ठीक है, नोबल ब्रेव एंड वाइज कौन है। तो वो व्यक्ति जो अपने गुस्से पर काबू करता है नोबल ब्रेव एंड वाइज है, बाकी सिंपल है, दोनों में देखिए एक ही आंसर है, बस एंगर एंगर आपको याद रखना है। अगला आपका, हु डिड डॉक्टर कलाम, ये सॉरी वे डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली, जो डॉक्टर कलाम थे वो दिल्ली क्यों गए थे। तो वो इंटरव्यू के लिए गए थे डीटीडीएन पीएर के, ठीक है, तो क्या लिखेगा आप, डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली इन इंटरव्यू एट डीटीडीएन पीएर, ठीक है। अगला आपका, वे डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून, जो डॉक्टर कलाम थे वो देहरादून क्यों गए थे। तो आपको पता होगा देहरादून में जो हमारा भारतीय सेना का जो है सिलेक्शन बोर्ड है, तो वो वहाँ पर क्यों गए थे, इंटरव्यू के लिए गए थे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के, ठीक है, एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे डॉक्टर कलाम, लेकिन किसी कारणवश जो है चयनित नहीं हो पाए। अगला आपका, वेट इज बबलीस ब्रदर राइट हिम अ लेटर, ठीक है, बाबुलिस ने, बाबुली के भाई ने उसे पत्र क्यों लिखा, क्योंकि देखिए उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से हो रहे थे और वहाँ पर जो भाई का उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसलिए उसने पत्र लिखा था। तो बबलीस ब्रदर हैड रिटर्न टू लेटर बिकॉज देयर प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब बटना इंटू थ्री पार्ट्स एंड तीन पार्ट्स में बट रही थी और उसकी जो उपस्थिति वहाँ पर जरूरी थी, देयर प्रेजेंस वॉज इंस्टायल। अगला आपका, हु टास्क द काइट्स हाई, हु टास्क द काइट्स हाई, काइट्स हाई का मतलब होता है ऊंचाई पर, काइट्स का मतलब होता है पतंग, हाई यानी होता है ऊंचाई, टास्क यानी होता है पहुंचाना, और हु यानी होता है कौन, कौन पहुंचाता है पतंगों को ऊंचाई पर। तो हवा पहुंचाती है, तो हवा को हम क्या कहते हैं, वाइंड, तो बस हु की जगह वाइंड लगा दीजिए, बाकी आपका प्रश्न ही पूरा वैसा का वैसा। अगला आपका, व्हाट डज द वाइंड ऑलवेज डू, जो हवा जो होती है वो हमेशा क्या करती है, तो वो हमेशा जो है छिपी हुई रहती है, यानी वाइंड ऑलवेज हाइड, ठीक है, इट सेल्फ यानी अपने आप को हमेशा छिपाए रखती है और जो चीज़ें होती है उनको धकेलती रहती है, आफ्टर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, उन बहुत सारी चीज़ों को धकेलती रहती है। अगला आपका, हाउ डज द वाइंड वर्क, जो होती है वाइंड
यानी होती है हवा, वो कैसे काम करती है? तो वो जो हमेशा चीज़ों को धकेलती रहती है, इवेंट वर्क्स बाद बॉबिंग इट समथिंग पर से पुशअप्स इन समथिंग मेक्स अ लाउड सॉन्ग, और हमेशा आवाज़ निकलती रहती है। अगला आपका कि व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द वाइन, जो पोएट ने जो है आंधी के विषय में क्या कहा है? तो पोएट आंधी के विषय में कहते हैं कि वाइंड वाइंड्स यंग और ओल्ड, कि पोएट ने आंधी के विषय में कहा है कि जो आंधी है उसकी उम्र क्या है, क्या वो जवान है या फिर ओल्ड है, ना बूढ़ी हो गई है, तो ये कहा था। अगला आपका वेयर डू द प्रताप सिंह के, जो प्रताप सिंह ने था पड़ाव कहाँ डाला था? तो प्रताप सिंह ने पड़ाव कहाँ डाला था? पर अरावली के पर्वतों पर डाला था, तो फुट ऑफ अरावलीस। अगला देखते हैं हमारा डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप की क्वालिटीज आपको बताना है। तो पहली क्वालिटी आपकी, वो एक ब्रेव और पेट्रियोटिक राजपूत थे। दूसरा, अपने मदर अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे। तीसरा, वो एग्नोस्टिक और रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। ठीक है, तो इसे जो आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको याद थोड़ा सा सरल हो इसलिए इसे पॉइंट में लिख दिया है। अगला आपका हुआ जो सुबुद्दीन कुबुद्दी, सुबुद्दीन कुबुद्दी कौन थे? तो आप सभी को पता होगा सुबुद्दीन कुबुद्दी कौन थे, वो दोनों मित्र थे, यानी दोनों फ्रेंड्स थे। तो सुबुद्दी और कुबुद्दी टू फ्रेंड्स। ठीक है, अगला आपका बीसवा कि वेयर व्हाट डू द पोएट से अबाउट द सैड सॉन्ग, जो एक कवि ने जो है दुख भरे गीतों के बारे में क्या कहा है? तो कवि ने दुख भरे गीतों के बारे में क्या कहा था कि हमें जो है दुख भरे गीतों को छोड़कर जो है एक अच्छा कवि बनना चाहिए। तो देखिए क्या है आंसर में, द पोएट सेज द ड्राइव अवे द सैड सॉन्ग्स। ड्राइव अवे का मतलब होता है छोड़ दो, सैड सॉन्ग्स यानी जो दुख भरे गीत होते हैं उन्हें छोड़ दो, और बिकम अ कंप्लीट पोएट इंस्टेंट, और एक अच्छे कवि बनो। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने की प्रोसेस थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट हैं और आपके जो है माइंड फ्रेश है, तो आप इसे जो है बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे डाउनलोडिंग पेज पर। तो दोस्तों, जिस वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो उस वीडियो पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाना है, तो चलिए टेक करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और यहाँ पर जो आपको लिंक नज़र आ रही होगी जीपी लिंक्स करके, ठीक है, तो आपको इस लिंक पर जो है क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ इस पर टैप, और टैप करने के बाद देखिए हमें ये ब्राउज़र ऑप्शन दे रहा है, तो ब्राउज़र नहीं तो क्रोम, तो हम जो है क्रोम पर जो है टैप कर लेते हैं, और इसके बाद जो आपको ब्राउज़र पर लेके चले जाएगा। तो चलिए इसके बाद में जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आ चुके हम ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आने के बाद जो आपको यहाँ पर सबसे मोस्ट चीज़ जो याद रखना है कि ब्राउज़र पर आने के बाद जो आपको यहाँ पर दो वेरीफाई बटन नज़र आ रहे होंगे सबसे नीचे स्क्रॉल करके, तो इस पर जो आपको सबसे नीचे वाला वेरीफाई बटन आपको जो है टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इसे दबा देते हैं वेरीफाई को, तो देखिए हमें दूसरी वेबसाइट पर लेकर आ चुका है, लेकिन हम जो है यहाँ पर नहीं जाना चाहते, तो हम यहाँ पर हमारे जीपी लिंक्स पर वापस आ जाएंगे, और वापस वेरीफाई पर हम जो है दबाएंगे। ठीक है, और ये जो आपको वापस जीपी लिंक्स पर पहुँचा देगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीपी लिंक्स पर नहीं है, तो आप जो है अपना टैब बदल लीजिएगा। तो ये देखिए इसने हमें वापस जीपी लिंक्स पर पहुँचा दिया, तो आपको जो है इसे स्क्रॉल करना है और कैप्चा ढूंढना है। ठीक है, कैप्चा जो आपने बहुत बार भरा भी होगा, तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है कैप्चा, योर कैप्चा बॉक्स इज प्रोसेस्ड, मतलब हमारा जो कैप्चा है वो प्रोसेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं जिससे जो हमारा कैप्चा आ जाए और हम जो है उसे भर पाए। अगर आपका कैप्चा नहीं आता है, देखिए हमारा तो आ चुका है, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, अगर आपका नहीं आता है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस कैप्चा पर जो है टिक कर दें। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, ये क्रॉसिंग पूछ रहा है, तो क्रॉसिंग देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग पूछ रहा है, तो सबसे क्रॉसिंग हम टिक लगा लेते हैं, कहाँ कहाँ पर है क्रॉसिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा सुरक्षा के लिए थोड़ा सा है ये कैप्चा, नहीं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने क्रॉसिंग पर जो है टिक लगा लिया, अगर क्रॉसिंग अभी अभी तो नहीं है क्रॉसिंग, चलिए हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। चलिए, तो हमारा कैप्चा जो है कम्प्लीट हो चुका है, और इसमें कैप्चा कम्प्लीट होने के बाद सबसे नीचे आपको आ जाना है, और यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले नंबर का जो कंटिन्यू आपको नज़र आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई सबसे पहले पेज पर आपको वेरीफाई, सबसे नीचे से कंटिन्यू, सबसे ऊपर से। ठीक है, तो कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें दूसरे पेज पर लेके आ चुका है, लेकिन हमें जीपी लिंक्स पर वापस चले जाएंगे, हमारे जीपी लिंक्स पर वापस चले जाएंगे, और देखिए हमारा जो है हुए शहीद आजम, देखिए ये खुल चुका है पेज, और इसके लिए देखिए सबसे नीचे आपको आ जाना है, और यहाँ पर जो आपका एक सेकेंड चल रहा होगा, देखिए टाइम चल रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर एक टाइम चलता है, और टाइम जैसे जीरो हो जाएगा आपको सबसे नीचे यहाँ पर गेट लिंक एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, गेट लिंक इस पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आपको गेट लिंक नज़र आ रहा होगा तो क्लिक करना है। तो देखिए मुझे मेरी ईमेल आईडी से पूछ रहा है, तो चलिए मैं खोल लेता हूँ।
तो ये देखिए मेरा जो पेज है वो खुल चुका है। तो इस प्रकार से आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और याद कर सकते हैं, जिससे जो आपके अच्छे अंक आएंगे। तो मिलिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।